हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रिपल एस एग्रीकल्चर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो अपने GPB 3 1 जो आपका सब्जेक्ट है, इसके अंदर अपनी क्रॉप चल रही थी मेज, ठीक है, मेज या मक्का। इसके अंदर अपना एक टॉपिक पेंडिंग रह गया था, एक टॉपिक अपना रह गया था ब्रीडिंग मेथड या ब्रीडिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो अपने हेडिंग लगाते हैं ब्रीडिंग मेथड, मतलब ब्रीडिंग के ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिनकी हेल्प से अपने मेज की जो न्यू वैराइटीज़ हैं वो अपने डेवलप कर सकते हैं या उन्हें अपने इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके PDF के नोट्स हैं उसमें कई सारे मेथड लिखे हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि इस मेथड के द्वारा ये वैराइटी डेवलप की गई हैं। जैसे सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, जिसे अपने पादप पुनर्स्थापन भी कहते हैं, ठीक है। तो जब आप नोट्स पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन के द्वारा कौन कौन सी जो वैराइटीज़ हैं वो डेवलप की गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें मास सिलेक्शन या स्मूथ चेन, तो उसमें भी लिखा हुआ है जो 3-4 वैराइटीज़ लिखी हुई हैं जिनको मास सिलेक्शन के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है हेट्रोसिस, और इसमें एक लास्ट आती है ईयर एंड रो मेथड, ठीक है। ये कुछ ब्रीडिंग मेथड हैं जिनके द्वारा अपने मेज की जो वैराइटीज़ हैं उन्हें अपने इम्प्रूव कर सकते हैं या नई वैराइटीज़ की डेवलप कर सकते हैं। तो इन तीनों के बारे में तो आपने पहले पढ़ा हुआ है कि हेट्रोसिस क्या होता है, मास सिलेक्शन क्या होता है या इंट्रोडक्शन क्या होता है। सिंपल आपने याद रखना है कि इन मेथड्स का यूज़ करके कौन कौन सी वैराइटीज़ हैं वो डेवलप की गई हैं। अपने इसके बारे में अपने थोड़ा सा पढ़ेंगे ईयर एंड रो मेथड कि ये क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसके द्वारा अपने कैसे मेज़ की जो वैराइटीज़ हैं वो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने हेडिंग लगाते हैं ईयर एंड रो सिलेक्शन, ईयर एंड रो सिलेक्शन। सबसे पहले अपने साइंटिस्ट की बात करें तो इसकी डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट था हॉपकिंस, ठीक है। ईयर एंड रॉ सिलेक्शन ये जो मेथड है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, हॉपकिंस ने की थी। इस मेथड के द्वारा अपने जो मेज है इसके अंदर अपने ऑयल एंड जो प्रोटीन होता है, ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट होता है, इसे अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। मेज़ की यील्ड को अपने इम्प्रूव नहीं कर सकते, मेज़ का उत्पादन अपने नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ मेज़ के अंदर जो ऑयल पाया जाता है या प्रोटीन होता है उसकी अपनी मात्रा को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे अपने बढ़ा सकते हैं। तो अपने देखते हैं कि कैसे अपने ऑयल और प्रोटीन कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, मतलब किस प्रकार का ये सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो इस सिलेक्शन में क्या होता है कि मान लो अपने पास फील्ड के अंदर मेज़ की पॉपुलेशन है, ठीक है, मान लो ये अपना फील्ड है, इस फील्ड के अंदर ये मेज के प्लांट हैं इस प्रकार, ठीक है। इन प्लांट्स पर क्या लगी हुई हैं, ईयर्स लगी हुई हैं। मान लो एक ईयर यहां पर है, ये ईयर्स हैं, ठीक है। इस प्रकार इनमें काफी सारी मान लो ईयर्स लगी हुई हैं। इनमें से अपने फिनोटाइप के बेस पर, ठीक है, फिनोटाइप के बेस पर जो अच्छी ईयर्स होंगी, जो अच्छी क्वालिटी की ईयर्स होंगी, उनको अपने क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि अपने मेथड कौन सा है, सिलेक्शन, कि अपने पास मेज की पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से अपने जो मेज के प्लांट्स पर ईयर लगी होंगी उन ईयर्स को अपने फिनोटाइप के बेस पर, ठीक है, जो अच्छे फिनोटाइप की होंगी, जो देखने में अच्छी होंगी, उन्हें अपने क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर अपने क्या करेंगे कि उन ईयर्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपने एक डायग्राम बनाते हैं ईयर्स, यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं अपने ईयर का, कि ये तो नीचे वाली उसकी डंडी सी है, ठीक है, ऊपर ये वाला पार्ट जिसे अपने खाने में यूज करते हैं, साइड में उसका एक कवर है या छिलका आ गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम किसका है, ईयर का है। ऊपर इस प्रकार हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को अपने क्या बोलते हैं, सिल्क। ये जो कवर होता है उसका,
इसे अपने क्या बोलते हैं, हस्क, ठीक है। यहाँ पर पाए जाते हैं उसके ग्रेन्स या दाने जिन्हें अपने खाने में काम में लेते हैं, ठीक है। सारे आ जाएंगे यहाँ पर, कवर हो जाएंगे, और इन्हें अपने क्या बोलते हैं, कर्नल या कर्नल्स, ठीक है। ये पूरा का पूरा डायग्राम किसका है, ये पूरा का पूरा डायग्राम है एक ईयर का, कि जिसमें, और ये वाला पार्ट है जो अंदर वाला सारा पार्ट, ये वाला पार्ट, उसे अपने क्या बोलेंगे, कॉर्प्स, ठीक है। कि इस कॉर्प्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, वो ग्रेन या दाने प्रेजेंट होती हैं जिन्हें अपने क्या बोलते हैं, कर्नल्स बोलते हैं, ठीक है। कि जो ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है ऊपरी ऊपर टिप पर, उसे अपने बोलते हैं सिल्क। इसके कवर को बोलते हैं अपने हस्क, जो अपने पार्ट खाते हैं वो पूरा सारा डंठल सा होता है, जो उसे अपने बोलते हैं कॉर्प्स, और उनके ग्रेन्स को अपने क्या बोलते हैं, कर्नल्स, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं कि जो अपनी पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन में से फिनोटाइप के बेस पर अपने ऐसी ईयर्स को अपने सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर अपने क्या करेंगे, इस ईयर के अंदर ये जो कॉर्ब है जिस पर क्या है, ग्रेन्स हैं या जो सीड्स हैं जिन्हें अपने कर्नल्स भी बोलते हैं, उन आधे सीड्स को तो अपने खेत के अंदर अलग अलग बो देंगे। मान लो आपने इस फिनोटाइप के बेस पर इस ईयर, इस ईयर, इस ईयर और इस ईयर, ये जो चार ईयर हैं 1, 2, 3, 4, इनको आपने सेलेक्ट किया था, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर है इसके आधे सीड्स को अपने यहाँ पर बो दिया और आधे सीड्स को अपने स्टोर कर लेना है। जो सेकंड ईयर है इसके आधे सीड्स को अपने यहाँ पर बो दिया और आधे सीड्स को अपने स्टोर कर लिया। इसी प्रकार जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर के आधे सीड्स को अपने यहाँ पर बो दिया और आधे को स्टोर कर लिया। जो फोर्थ ईयर है उसके आधे सीड्स को अपने यहाँ पर बो दिया और आधे को अपने स्टोर कर लिया, ठीक है। अब इन जो सीड्स अपने बोए हैं इनसे क्या तैयार होंगे, प्लांट तैयार होंगे। अब वहाँ पर अपने देखेंगे कि किस ईयर के सीड से अच्छी क्वालिटी के प्लांट तैयार हुए हैं। तो मान लो ये जो दो रो हैं, ये दो क्या है, रो हैं, इस रो के अंदर अपने जो सीड्स बोए थे उन सीड्स से अच्छी क्वालिटी के प्लांट तैयार हुए हैं। तो इस रो के अंदर किस ईयर के सीड थे, एक तो एक नंबर के और दूसरे कौन से, तीन नंबर के। अब इनके आधे सीड अपने पास पहले से ही स्टोर हैं, तो अपने अगले साल क्या करेंगे, सिर्फ उन्हीं बीज को बोएंगे जिनसे अपने को अच्छी क्वालिटी के प्लांट प्राप्त हुए हैं। मतलब नेक्स्ट ईयर अपने एक और तीन नंबर जो ईयर के जो सीड थे उनको अपने बोएंगे खेत में, जो दो नंबर और चार नंबर ईयर के जो बचे हुए सीड्स हैं उनको अपने नहीं बोएंगे, ठीक है। तो यही है सिंपल ईयर एंड रॉ सिलेक्शन, कि सबसे पहले अपने क्या करना है कि जो अपने पास पॉपुलेशन है मेज की उसमें से अपने फिनोटाइप के बेस पर, लक्षण प्रारूप के आधार पर ईयर को आइसोलेट कर लेना है। ईयर को आइसोलेट करने के बाद उनके जो आधे सीड्स हैं, ठीक है, कि ये जो कॉर्प्स होगा उस कॉर्प्स में से जो आधे सीड्स हैं उनको अलग अलग रोज के अंदर खेत में बो देना है, ठीक है। फिर अपने चेक करेंगे कि किस सीड से अच्छी क्वालिटी के प्लांट तैयार हुए हैं, किस रो में अच्छी क्वालिटी के प्लांट हैं, तो उसके बेस पर अपने नेक्स्ट ईयर उन सीड्स को खेत में बो देंगे जिनसे अपने को अच्छी क्वालिटी के प्लांट प्राप्त हुए हैं। तो सिंपल सा ये मेथड है ईयर एंड रो सिलेक्शन, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, हॉपकिंस ने की थी, और ये मेज के अंदर ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है। इसकी हेल्प से अपनी जो यील्ड है उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी के साथ ही अपनी जो मेज क्रॉप है ये कम्प्लीट होगी। नेक्स्ट क्रॉप है सॉर्गम, सॉर्गम या ज्वार, अपनी दो क्रॉप कंप्लीट होगी। फर्स्ट थी आपकी राइस एंड सेकंड मेज, थर्ड है सॉर्गम। ठीक है, तो सॉर्गम के अंदर सबसे पहले अपने इसका देखेंगे क्लासिफिकेशन, जैसे अपने हर क्रॉप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं इसका वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम, ठीक है। फिर अपने देखेंगे, पढ़ेंगे इसकी फैमिली के बारे में, और लास्ट में अपने देखते हैं इसका क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले अपने इसका बॉटनिकल नेम देखें, तो जो सॉर्गम है इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, सॉर्गम बाइकलर, सॉर्गम बाइकलर। इसकी जो फैमिली है वो फैमिली है इसकी ग्रैमिनी, फैमिली है इसकी ग्रैमिनी,
और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो होते हैं 2n = 2x = 20, मतलब ये किस प्रकार की क्रॉप है, ये डिप्लोइड क्रॉप है। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसका सेंटर ऑफ ओरिजन, इसका उत्पत्ति स्थल, सेंटर ऑफ ओरिजन, तो यहाँ पर आएगा इथोपिया। वैसे अलग हर बुक के अंदर, काफ़ी सारी बुक के अंदर मैंने देखा है, सभी में अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो फुंदन सिंह की बुक है आपकी, उसमें इसका सेंटर ऑफ ओरिजन लिखा हुआ है इथोपिया, ठीक है, तो उससे अपने ये लिया है इसका सेंटर ऑफ ओरिजन। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन अपने दोनों देखेंगे, ग्लोबली और नेशनल, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पर इसकी सोइंग की जाती है, और अपने इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर इसकी सोइंग की जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले अपने देखते हैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसमें आती हैं, अफ्रीका, ठीक है, इंडिया, चाइना, अर्जेंटीना, ठीक है, इसके अलावा इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा इसके अंदर जो मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और मेक्सिको, ये कुछ फेमस कंट्री हैं जहां पर जो सॉर्गम है इसकी सोइंग की जाती है। नेक्स्ट आपने देखें इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट हैं, सबसे पहले अपना स्टेट ही राजस्थान, राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, एमपी, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर सॉर्गम की जो सोइंग है वो काफ़ी की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अपने देखते हैं इसके टाइप, कि सॉर्गम कितने टाइप का होता है, तो आपने एग्रोनॉमी के अंदर पढ़ा होगा कि ये दो टाइप का होता है, एक तो कौन सा ग्रेन वाला और दूसरा कौन सा जो इसका है फोडर सॉर्गम, ठीक है, तो ये दो टाइप का है, टाइप्स, तो ये दो टाइप का होता है, ग्रेन सॉर्गम, ठीक है, और दूसरा फोडर सॉर्गम। सिंपल आपने बस इसे पढ़ना है, कोई याद नहीं रखना, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। टाइप्स के बाद अपने देखते हैं इसकी कल्टीवेटेड स्पीसीज़, कि सॉर्गम की कौन सी स्पीसीज़ कल्टीवेटेड होती है, उसमें कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं, तो कल्टीवेटेड स्पीसीज़ तो जो अपने इसका वानस्पतिक नाम, बोटैनिकल नेम लिखा था, वही इसकी कल्टीवेटेड स्पीसीज है, कौन सी, सॉर्गम बाइकलर। इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 2n = 2x = 20, मतलब किस प्रकार की ये क्रॉप है, ये एक डिप्लोइड क्रॉप है, ठीक है। इसके बाद जो वाइल्ड स्पीसीज हैं, दो इसके अंदर वाइल्ड स्पीसीज हैं, उनमें से एक डिप्लोइड होती है और एक होती है टेट्राप्लोइड, जो आपको पीडीएफ में सिंपल मिल जाएगी। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसके अंदर इनफ्लोरिसेंस, कि इसमें कौन सा इनफ्लोरिसेंस या पुष्पकर्म होता है, इनफ्लोरिसेंस, तो इसका जो इनफ्लोरिसेंस है उसे अपने बोलते हैं पेनिकल। फिर अपने देखते हैं किस प्रकार की ये प्रोपेगेटेड क्रॉप होती है, तो ये इसका सीड के द्वारा अपने प्रोपेगेशन करते हैं, सीड प्रोपेगेटेड क्रॉप होती है। फिर अपने पढ़ते हैं इसका आइसोलेशन डिस्टेंस, तो आइसोलेशन डिस्टेंस इसमें जो फाउंडेशन जो आपके सीड होते हैं उसके लिए अलग होता है, और जो सर्टिफाइड सीड होते हैं उसके लिए अलग होता है, ठीक है। फाउंडेशन सीड के लिए होता है 200 मीटर और सर्टिफाइड सीड के लिए होता है 100 मीटर, ठीक है, कि जो फाउंडेशन सीड हैं, फाउंडेशन सीड्स के लिए कितना है आइसोलेशन डिस्टेंस, 200 मीटर, और जो सर्टिफाइड सीड है उसके लिए है 100 मीटर, ठीक है। तो
तो ये अपने इसमें स्वर्गम में आज कुछ टॉपिक किए हैं, कौन कौन से किए हैं अपने दोबारा फिर रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले अपने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था, क्लासिफिकेशन में इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, स्वर्गम बाइकलर। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 2n = 2x = 20, मतलब डिप्लॉयड है ये। ये कौन सी फैमिली के अंदर आता है, ग्रैमिनी के अंदर आता है। फिर अपने देखा था इसका ओरिजन तो इथोपिया था, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपने इंडिया, इंडिया के साथ पाकिस्तान, चाइना, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ मैक्सिको, ये कुछ फेमस कंट्रीज़ थी। फिर अपने स्टेट देखे थे राजस्थान, राजस्थान के साथ MP और पड़ोसी राज्य गुजरात, ठीक है। फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, इस प्रकार कुछ स्टेट हैं। कल्टीवेटेड स्पीसीज़ सिंपल वही है जो बोटेनिकल नेम था, स्वर्गम बाइकलर, क्रोमोसोम नंबर पहले ही आ गए थे। इनफ्लोरिसेंस पेनिकल और सीड प्रोपेगेटेड क्रॉप है सिंपल। आइसोलेशन डिस्टेंस आपने याद रखना है, फाउंडेशन सीड के लिए होता है 200 मीटर और सर्टिफाइड सीड के लिए होता है 100 मीटर या 100 मीटर। इससे पहले अपने सॉर्गम से पहले आपने मेज का जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें पढ़ा था आपने आज ईयर एंड रो सिलेक्शन। ईयर एंड रो सिलेक्शन की डिस्कवरी किसने की थी, हॉपकिंस ने की थी। इसका यूज़ किस में होता है, मेज के अंदर प्रोटीन और ऑयल कंटेंट को इम्प्रूव करने में ये हेल्पफुल होता है। इसमें होता क्या है कि अपने पास जो खेत में मेज की पॉपुलेशन है जिसे अपने आइसोलेशन डिस्टेंस में बोया हुआ है, उस पॉपुलेशन में से अपने जो सिलेक्टेड ईयर्स हैं उनको अपने आइसोलेट कर लेते हैं, मतलब अपने फिनोटाइप के बेस पर अच्छी क्वालिटी के जो ईयर्स हैं उसे अपने सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर अपने में से जो उसकी क्रॉप्स होती हैं उसमें जो ग्रेन्स होते हैं जिसे अपने कर्नल्स कहते हैं, उसमें से जो आधे सीड्स हैं उनको अपने खेत में बो देते हैं अलग अलग रोज के अंदर, ठीक है, कि एक रो के अंदर एक ही ईयर के सीड होते हैं, आधे सीड को अपने बो देते हैं और आधे सीड अपने स्टोर कर लेते हैं। फिर जिस रो के अंदर अच्छी क्वालिटी के प्लांट तैयार होते हैं या अच्छी क्वालिटी के प्लांट होते हैं तो उस ईयर के जो सीड्स थे उसको अपने अगले साल बोते हैं, जिस रो में अच्छी क्वालिटी के सीड नहीं थे अपने उस ईयर के जो आधे सीड्स हैं उनको अपने खेत में अगले साल नहीं बोते, ठीक है। ये सिंपल सा मेथड था ईयर एंड रो सिलेक्शन, 4 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपको यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, जो आपकी डाउट क्लास है डाउट क्लास में आप पूछ सकते हो, ठीक है। या आपको कोई PDF में कोई प्रॉब्लम हो, PDF नोट्स में कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं अपने जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर आपकी जो स्वर्गम क्रॉप है इसके जो टॉपिक रह गए, पॉइंट रह गए अपने उसके बारे में डिस्कस करेंगे।